हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई सारे कमाल के अपडेट्स के बारे में, जैसे लूकी की सीरीज़ को लेकर और फास्ट 9 के ट्रेलर्स को लेकर और भी कई सारे कमाल के अपडेट्स हैं। तो अपडेटेड रहने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, कहीं भी स्किप मत करना गाइस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट अपडेट है फास्ट एंड फ्यूरियस 9 को लेकर, जिसके कैरेक्टर्स पोस्टर्स को रिवील कर दिया गया है, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं गाइस। यूँ तो इसका ट्रेलर हमें कुछ घंटों में देखने को मिलने ही वाला है, और अब इसके कैरेक्टर पोस्टर्स को भी रिलीज कर दिया गया है, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिनमें आप विन डीजल और पूरी कास्ट को देख सकते हैं गाइस। और जॉन सेना को भी हम इस मूवी में देख सकते हैं, जो कि इस मूवी में ऐड हुए हैं नए कास्ट में, उनका भी हम पोस्टर देख सकते हैं, कैरेक्टर पोस्टर। ये मूवी इसी साल रिलीज होने वाली है गाइस। ये मूवी हमें इसी साल 22 मई को देखने को मिलने वाली है थिएटर्स में। बात करूँ मूवी के हिंदी डब की, तो ऑब्वियसली ये मूवी हिंदी डब में ही रिलीज होगी गाइस हमारे इंडिया में, क्योंकि इसके बाकी पार्ट्स भी हमें हिंदी में ही देखने को मिले थे। तो आपको कैरेक्टर्स पोस्टर्स कैसे लगे और आप इस ट्रेलर के लिए कितने एक्साइटेड हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट अपडेट मार्वल स्टूडियो की अपकमिंग मूवी शैंग-चिंग को लेकर है, जिसकी कास्ट में रोजालिन चाओ का नाम जुड़ गया है, जो कि इसमें शैंग-चिंग की मदर का कैरेक्टर निभा सकती हैं गाइस। नेक्स्ट अपडेट मार्वल कॉमिक्स की तरफ से एक नई कॉमिक आने वाली है, आयरन हार्ट 2020। कॉमिक की अपडेट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कॉमिक में जो भी इवेंट्स और एलिमेंट्स होते हैं उनसे ही इंस्पायर होकर मूवी की स्टोरी लिखी जाती है। तो अब फ्यूचर में हो सकता है आयरन हार्ट से कोई शो या मूवी हमें देखने को मिल जाए फ्रेंड्स मार्वल स्टूडियो में। नेक्स्ट अपडेट ट्रांसफॉर्मर के यूनिवर्स से आया है। ट्रांसफॉर्मर के यूनिवर्स से हमें दो और मूवीज देखने को मिलने वाली है। पैरामाउंट स्टूडियो के अंदर दोनों ही मूवीज पे काम चल रहा है, ये पूरी तरह कंफर्म कर दिया गया है, जिसमें से पहली फिल्म हो सकती है बम्बलबी का सीक्वल, वहीं दूसरी फिल्म ट्रांसफॉर्मर के यूनिवर्स से ही कोई हो सकती है। तो ये दोनों मूवीज हमें कब तक देखने को मिल जाएगी इसके ऊपर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, बट दो मूवीज पे काम चल रहा है पैरामाउंट स्टूडियो में। ट्रांसफॉर्मर के यूनिवर्स से हमें दो और मूवीज देखने को मिलने वाली है, ये कंफर्म है। नेक्स्ट अपडेट मैट रिवर्स की बैटमैन को लेकर है, जिसकी प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू हो गई है, और ये बात खुद कंफर्म की है फिल्म के डायरेक्टर मैट रिवर्स ने इस पिक को शेयर करके, जिससे हम मूवी का टाइटल भी देख सकते हैं। हो सकता है मूवी का टाइटल द बैटमैन ही हो। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अपडेट फैल्कन इन द विंटर सोल्जर वांडा विजन, ये दोनों ही शो हमें देखने को मिलने वाले हैं डिज्नी प्लस पे इसी साल। मार्वल ने ये कंफर्म कर दिया है, पहले वांडा विजन की जो डेट थी वो नेक्स्ट ईयर की थी, बट अब कंफर्म कर दिया गया है ये दोनों शो हमें इसी साल देखने को मिलेंगे। दोनों ही शो की शूटिंग जोरों शोरों से चल रही है। अपडेट ये है कि दोनों ही शो के टीजर्स हमें बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं। बहुत जल्द गाइस एक फुटबॉल गेम होने वाला है, जो कि 3 फरवरी से 5 फरवरी तक होगा, और अपडेट ये है कि 3 फरवरी को 5 बजे से 6 बजे के बीच में इन दोनों शो के टीजर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स तैयार रहिएगा इन दोनों शो के टीजर्स देखने के लिए, जो कि 3 फरवरी 5 बजे से 6 बजे के बीच हमें देखने को मिल जाएंगे। तो आप कितने एक्साइटेड हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अपडेट जो कि डिज्नी प्लस के अपकमिंग शो मून नाइट को लेकर है, सुनने में आ रहा है इसकी शूटिंग जुलाई तक शुरू हो जाएगी, जिसके बाद हमें सेट इमेजेस और कई सारे अपडेट भी देखने को मिल जाएंगे अगर ये रूमर सही रहा तो। सुनने में आ रहा है शो की स्टोरी जो है वो बेयोडेमाओ लिखेंगे। बेयोडेमाओ ने इससे पहले नेटफ्लिक्स का द विचर की स्टोरी लिखी थी, और द विचर कितना ऑसम शो है ये तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स अगर आपने देखा है। तो मून नाइट से हमारी एक्सपेक्टेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट अपडेट जो कि मैट्रिक्स 4 को लेकर आया है, सुनने में आ रहा है प्रियंका चोपड़ा से बात चल रही है इसकी कास्ट को ज्वाइन करने के लेकर। अगर वो हाँ बोल देती हैं तो प्रियंका चोपड़ा भी हमें मैट्रिक्स 4 में देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट अपडेट नेटफ्लिक्स को लेकर है द लास्ट थिंग ही वॉन्टेड, इस मूवी को ऑफिशियली हिंदी डब में रिलीज किया जाएगा 21 फरवरी को नेटफ्लिक्स पे। तो आप ये मूवी हिंदी डब में देख सकते हैं ऑफिशियली नेटफ्लिक्स पर, हिंदी डब में इसको रिलीज किया जाएगा। तो अगर आपको ये मूवी देखनी है तो 21 फरवरी को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट अपडेट डॉक्टर स्ट्रेंज 2 को लेकर है, जिसमें हमें वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज का टीम अप देखने को मिलने वाला है, ये तो पूरी तरह से कंफर्म है गाइस। पर अब सुनने में आ रहा है इसमें हमें मिस अमेरिका का कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा, और इतना ही नहीं एक मेल कैरेक्टर की भी कास्टिंग कर रहा है मार्वल ब्रदरवुडो के कैरेक्टर के लिए। नेक्स्ट अपडेट डिज्नी प्लस पे अपकमिंग शो लूकी को लेकर है, जिसका फर्स्ट सीजन में करीब हमें 6 एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं। वही इतना ही नहीं मार्वल स्टूडियो प्लानिंग कर रहा है इसके सेकंड सीजन की भी, तो हमें सेकंड सीजन भी जरूर देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट एंड लास्ट अपडेट जोकर के हिंदी डब को लेकर है, जैसे मैंने आपको अपडेट दिया था कि जोकर का हिंदी डब ब्लूरे में रिलीज होगा, पर ऐसा नहीं हुआ, राइट्स की प्रॉब्लम के चलते इसको डिले कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि हमें जोकर का हिंदी डब देखने को नहीं मिलेगा, जरूर देखने को मिलेगा। इसके ऊपर जैसे ही कोई भी कंफर्मेशन आएगी उसके ऊपर मैं अपडेट आपको दे दूंगा, पर फिलहाल के लिए इसको कैंसिल कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स यही थे सारे कमाल के अपडेट्स। आपको कौन सा अपडेट ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया अपडेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा देना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के संग। जय हिंद, वंदे मातरम।